नमस्कार दोस्तों, खट्टा क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सीजीएल का डेट अनाउंस्ड है, आप जानते हैं 28 जनवरी और 4 फरवरी को डेट एग्ज़ाम होने वाला है और इसमें आप बहुत दिन नहीं बचा हुआ है। इसी सप्ताह आप लोगों का एडमिट कार्ड भी जारी होने की पूरी संभावना है, तो इस हिसाब से आपका समय बहुत कीमती है। आपको तैयारी करना है, पढ़ना है और समय को बर्बाद नहीं करना और नेगेटिव से बचना है। ध्यान रखना है कि इस परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग का प्रोविज़न है, आपको गलत नहीं करना है, जो जानते हैं सही चीज़ को उसी को टिक करना है। पेपर 1-2 में आपका समय बचेगा, पेपर 3 में थोड़ा आपका समय किल्लत हो सकता है, लेकिन अगर रणनीति कीजिएगा तो वो भी आपका मैनेज हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं क्लास आज का। देखते हैं पहला सवाल हमारा, कौन महाप्राण वर्ण नाय है? इसमें से कौन है जो महाप्राण वर्ण नहीं है? बताया था आपको कुछ दिन पहले कि महाप्राण अल्पप्राण क्या होता है, जैसे क ख ग घ, तो क और ग ये अल्पप्राण है और ये महाप्राण है, ठीक है। जैसे क का क्या लिखते हैं, क का के लिखते हैं ना, और ख का के एच, ग का जी, घ का जी एच, तो जिसमें जिसमें एच लगा है वो समझ लीजिए महाप्राण है और जिसमें एच नहीं लगा है वो अल्पप्राण है। इससे भी आप पकड़ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ जो आप ऑप्शन देख पा रहे हैं इसमें से सिर्फ डी है ऐसा, जी की महाप्राण नहीं है, ये अल्पप्राण है ना। सवाल नंबर 2 देखिए, कौन अघोष वर्ण नाय है? इसमें से कौन है जो अघोष वर्ण नहीं है? घोष वर्ण और अघोष वर्ण ये भी आप बताए थे आपको कि किसी भी समूह का पहला 2 अक्षर घोष रहता है, अघोष रहता है और बाकी जो है वो घोष रहता है। तो क ख ये आपका अघोष वर्ण है, च छ अघोष वर्ण है, ट ठ भी अघोष वर्ण है और ये जो है घोष वर्ण है, तो आंसर हमारा ये हो जाएगा, ठीक है। सवाल नंबर 3 देखिए, गहूँ धान शब्दक संज्ञा रूप छाटा, गेहूँ धान का जो शब्द है ये संज्ञा के किस रूप का है, किस भेद का है? व्यक्तिवाचक, गौटवाचक, जिनिसवाचक या भावगुणवाचक? गेहूँ धान बताइए क्या होगा, ये आपका जिनिसवाचक है। सवाल नंबर 4, बैस बेकार शब्दक संज्ञा रूप छाटा, बैस बेकार ये संज्ञा का कौन सा भेद है? व्यक्तिवाचक, गौटवाचक, जिनिसवाचक या भावगुणवाचक? तो आप जानते हैं इसका आंसर होगा डी नंबर, क्योंकि बेस्ट मतलब अच्छा होता है, बेकार मतलब ख़राब होता है, किसी का ये जो गुण बता रहा है, विशेषता बता रहा है, ये अच्छा है या खराब है, यानी कि क्या हो जाएगा डी नंबर, गुणवाचक। 5 नंबर सवाल देखिए, हमिन सब एकर घर जाइब, हम लोग सब इसका घर जाएंगे, ये वाक्य हामिन की है, हामिन क्या है? उत्तम पुरुष एकवचन, उत्तम पुरुष बहुवचन, अन्य पुरुष बहुवचन या मध्यम पुरुष बहुवचन? तो मैं जो है वो आपका पुल्लिंग है और हम जो है वो स्त्रीलिंग हो जाता है, तो क्या हो जाएगा इसमें, इसमें आपका हो जाएगा उत्तम पुरुष बहुवचन, ठीक है, उत्तम पुरुष बहुवचन। चलिए आगे देखिए, सवाल नंबर 6, तोहिन सब कायल आयल रहत, ये वाक्य तोहिन की है, इसमें तोहिन क्या है, उसमें हामिन था, इसमें तोहिन क्या होगा? उत्तम पुरुष एकवचन, अन्य पुरुष एकवचन, मध्यम पुरुष एकवचन या मध्यम पुरुष बहुवचन? इसमें हो जाएगा मध्यम पुरुष बहुवचन, ठीक है। सवाल नंबर 7 देखिए, बौक शब्द का स्त्रीलिंग रूप छाटा, बौक शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? बौकवाइन, बौकली, बौकवाइन या बौकनी, क्या होगा? इसका आंसर होगा बौकली, ठीक है, बौक शब्द का स्त्रीलिंग होगा बौकली। सवाल नंबर 8 चलिए, मेरा इस सेशन से आप लोगों को कितना फ़ायदा हो रहा है तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस तरह से सवाल को आप रिवाइज कर रहे हैं तो क्वेश्चन का पैटर्न को समझ में आ रहा होगा कि किस तरह का सवाल उसमें हो सकता है,
बस इसीलिए आपके लिए क्लास लाया जा रहा है। सवाल नंबर 8 देखिए, बाबू शब्द का स्त्रीलिंग रूप छांटा, बाबू शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, मैया, बबुआइन, नूनी या पुतोहू। बाबू शब्द का स्त्रीलिंग, ठीक है, देखिए बाबू मतलब क्या होगा, बाबू खोठा में कहते हैं पापा को, पिताजी को बाबू कहते हैं, तो इसका स्त्रीलिंग क्या होगा, माँ होगा, और माँ खोटम क्या कहते हैं, मैया, यानी कि 8 का ए नंबर सही होगा। ध्यान दीजिएगा, कुछ अगर शब्द पूछेगा आपसे तो ध्यान दीजिएगा कि आप खोटम पूछ रहा है, ठीक है। अभी टेलीग्राम पे किसी का कमेंट आया था, एक क्वेश्चन आया था उनका, जिन्होंने पूछा था गाली, गाली शब्द का मतलब क्या होगा, ठीक है, गाली, तो गाली अगर हम लोग बात करते हैं हिंदी में तो जानते हैं कि ये गाली ऐसा शब्द है जो कि नहीं बोलना चाहिए, ठीक है, लेकिन खोटा में गाली जो है वो अलग होता है। वो क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई बकरी है, बकरी को हम रस्सी से बांधते हैं ना, तो गर्दन में जो फंसाते हैं उसका, उसके गले में जो रस्सी फंसाते हैं ना, इसको गाली कहते हैं। कोई भी जानवर हो, गाय हो, बैल हो, बकरी हो, गले में जो रस्सी फंसाते हैं इसको कहते हैं गाली, ठीक है। और ये जो रस्सी पूरा है ना, इसे कहते हैं पाघा, क्या कहते हैं, पाघा, ये गाली, ये पाघा, तो ये होता है गाली खोटा में। और अगर गाली जो हिंदी में है उसको बोलने के लिए गायर बोलेगा, ठीक है, गायर बोलेगा या गारी बोलेगा, गाली नहीं बोलेगा, क्लियर है। तो वर्ड पकड़ते समय ध्यान रखना है कि खोटा में पूछ रहा है, और खोटा में तो कुछ मीनिंग अलग हो सकता है। अब देखिए सवाल नंबर 9, बेटा शब्द का बहुवचन रूप छांटा, बेटा शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा, बेटवाइन, बेटवा, ए और बी दोनों, या बेटवाइन, दोनों होगा, बेटवा भी होगा, बेटवाइन भी होगा, ठीक है, 9 का सी। अब देखिए सवाल नंबर 10, गधा शब्द का बहुवचन रूप छांटा, गधा शब्द का बहुवचन क्या होगा, गधवाइन, गधवाइन, गधैन या गधआइन, इसका होगा गधवाइन, ठीक है, गधवाइन तो आपका कुछ नहीं होता है। चलिए सवाल देखिए 11 नंबर का, एकर में किताब रखल है, ई वाक्य में की है, इसमें किताब रखा हुआ है, इसमें मी क्या है, अधिकरण कारक है, कर्ण कारक है, कर्म कारक है या अपदान कारक है, कौन सा कारक है, तो ये आपका अधिकरण कारक है, ठीक है। कारक चिन्ह आप जानते हैं, जैसे पढ़ते हैं हिंदी में वैसे पढ़ के आप हिसाब लगा लीजिएगा, जहाँ ई विभक्ति कौन कारक का प्रयोग हुआ है, किस कारक में ये विभक्तियाँ प्रयोग होती हैं, अधिकरण, कर्ण, कर्म या सभी में, किस में होता है प्रयोग, तो ये जो चीज़ है ना, ये इन सभी में प्रयोग होता है। हमारा 1.25 किलो दे, हमको 1.25 किलो चार दो, ये वाक्य 1.25 किलो की है, 1.25 किलो क्या है, संख्यावाचक, मात्रावाचक, गुणवाचक या सर्वनामिक। देखिए थोड़ा कन्फ्यूजन है, 1.25 किलो, 1.25 किलो क्या है, संख्यावाचक है या मात्रावाचक है, क्या हो सकता है, तो यहाँ पर ये संख्यावाचक है, ठीक है, 1.25 किलो, सवा, जानते सवा क्या होता है, 1.25, इसमें संख्या का जिक्र होता है, थोड़ा बहुत बात रहे तो वो अमात्रा हो जाएगा, ठीक है, हमको थोड़ा दो, ज़्यादा दो, तो वो हो जाएगा आपका मात्रावाचक, क्लियर है। चलिए आगे देखिए सवाल नंबर 14, रामगढ़ क्षेत्र में बेसी पानी बरस रहा है, बरसल है, ये वाक्य बेसी पानी की है, रामगढ़ क्षेत्र में बहुत पानी बरसा है, इसमें बहुत पानी क्या है, संख्यावाचक है, मात्रावाचक है, गुणवाचक है या सर्वनामिक है, बताइए। आप यहाँ बोल सकते हैं कि ये मात्रावाचक है, क्योंकि कितना है वो बताया नहीं गया है, बस एक क्वांटिटी दे दिया है, बहुत बरसा है, ठीक है, क्लियर है ना। चलिए आगे देखिए सवाल नंबर 15, जे क्रिया रूपे काम में आवेक समय है, हवेक पता चलो है, ओकरा की कहल जाए, जिस क्रिया रूप में काम के होने का पता चलता है, होने के समय का पता चलता है, उसे क्या कहते हैं, सामान्य भविष्यकाल, सकहा भविष्यकाल, हेतु हेतु मत भविष्यकाल या लगातार भविष्यकाल, क्या कहते हैं, इसे कहते हैं सामान्य भविष्यकाल।
आवेग समय या हवे के आने वाले समय में होने का बोध होता है। ठीक है, सवाल नंबर देखिए 16। सरिता खाइत ई वाक्य काल छठा, सामान्य भविष्यकाल, सकहा भविष्यकाल, हेतु हेतुमत भविष्यकाल या लगातार भविष्यकाल, क्या होगा? ये भी होगा सामान्य भविष्यकाल। सरिता खाएगी, सवाल देखिए 17 नंबर का। झुमकी स्कूले नाचलाई ई वाक्य नाचलाई कौन क्रिया है? पूर्वकालिक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, क्रियार्थक क्रिया या संयुक्त क्रिया? झुमकी स्कूले नाचलाई, नाची स्कूल में वो, क्या होगा? ये क्रियार्थक क्रिया होगा, नाचना ही उसका क्रिया था। सवाल नंबर 18 देखिए। गीता नहा के काम करे गेले, गीता नहाकर काम करने गई ई वाक्य नहाय के कौन क्रिया लगे? पूर्वकालिक, प्रेरणार्थक, क्रियार्थ या संयुक्त क्रिया? तो ये आपका हो जाएगा पूर्वकालिक क्रिया। ठीक है, मेन काम था काम करने जाना, लेकिन उसके पहले नहाई, तो ये क्रिया के पहले का क्रिया है ना, ये हो गया पूर्वकालिक क्रिया। आप देखिए सवाल नंबर 19। लीलज गते गते शब्दक समास रूप छठा, कौन समास है ये? अविविभाव, तत्पुरुष, द्विगु या कर्मधारय? लीलज गते गते ये आपका अविविभाव समास है। सिरजा ठेकफोरा शब्दक समास छठा, अविविभाव, तत्पुरुष, बहुब्रीही या कर्मधारय, ये कौन समास है? ये आपका तत्पुरुष समास है। पंचघाघ दुमुहा शब्दक समास छठा, अविविभाव, तत्पुरुष, द्विगु या द्वंद्व? पंचघाघ दुमुहा, इस पर देखिए संख्या का बोध हो रहा है ना, 5 2, तो ये क्या हो जाएगा आपका? द्विगु समास हो जाएगा, है ना। अब देखिए सवाल नंबर 22। एतना कुन का है चार लानल हाथ ई वाक्य एतना कुन की है? कालवाचक, जगहवाचक, रीतिवाचक या मात्रावाचक? एतना कुन मतलब इतना सा चावल क्यों लाए हो, या इतना थोड़ा चावल क्यों लाए हो, इसमें हमें मात्रा का बोध हो रहा है, तो हो जाएगा मात्रावाचक। सवाल देखिए 23 नंबर का। हमार घर नजीके है ई वाक्य नजीके की है? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक या विस्म्याधि बोधक? मेरा घर नज़दीक में है, इसमें क्या होगा? संबंध में होगा। ठीक है, वो जो है नज़दीक है, दूर नहीं है, बहुत दूर नहीं है, सामने है। चलिए आगे देखिए सवाल नंबर 24। अकर्मक आठ सकर्मक क्रिया कौन वाच्य प्रयोग हुआ है? अकर्मक और सकर्मक क्रिया किस वाच्य में प्रयोग होता है? कर्तृवाच, कर्मवाच, भाववाच या कोई नहीं? किस में प्रयोग होता है अकर्मक और सकर्मक क्रिया? ये होता है कर्तृवाच में। ठीक, सवाल देखिए 25 नंबर का। कर्मतिन गावो है ई कैसन वाक्य लागे? कर्मतिन गा रही है, ये कैसा वाक्य है? सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्रित वाक्य है या कोई नहीं है? कर्मतिन गा रही है, तो ये आपका सरल वाक्य होगा, सिंपल सेंटेंस है ये। 26 नंबर। हम जतलिए मकिन हमर तबियत बनाए गए ई कैसन वाक्य लागे? हम जाते हैं लेकिन मेरा तबियत जो है वो खराब हो गया, ये कैसा वाक्य है? सरल है कि संयुक्त है कि मिश्रित है या कोई नहीं है, क्या है ये? तो ये आपका संयुक्त वाक्य है, है ना। हम जाते लेकिन हमारा तबियत खराब हो गया, इसीलिए नहीं गए, संयुक्त हो गया। अब देखिए सर सवाल नंबर 27। हदकेक शब्द विपरीतार्थक शब्द छाटा, हदकेक शब्द का, हदकेक इस शब्द का उल्टा शब्द क्या होगा? निझाइक, उखरावेक, सलोना या पैराइल? देखिए हदकेक मतलब क्या होता है, ये होता है जलना, हम लोग कुछ जलाते हैं ना, जब ठंडा का मौसम है बहुत आग तापता है जलाकर, तो वो होता है जलना मतलब हदकना। ठीक है, उसका उल्टा क्या होगा? निझाना मतलब बुझाना, ये जो निझाएगा ना इसकी होता है बुझाना, आग को बुझा देना मतलब आग को निझा देना। अब देखिए सवाल नंबर 28। पेश गप्ती शब्द उल्टा शब्द छाटा, ढाक बजवा, गुलू फुटू, गोलवारी या बासी? पेश गप्ती शब्द का उल्टा क्या होगा? इसका उल्टा हो जाएगा ढाक बजवा। सवाल नंबर 29। महारंग शब्दक
विपरीतार्थक शब्द छाटा, ससत, कोताही, गेंजा या सटल, ये क्या होगा? महरंग मतलब महंगा, इसका उल्टा क्या होगा? सस्ता। एक नंबर तीस देखिए, खुरपा शब्द का अनर्थक शब्द छाटा, खुरपा शब्द का अनर्थक शब्द क्या होगा? खुरपी, चुकी, कोठी या ईसोभे। कोठा में जितना भी सिलेबस दिया है ना, उस सब में सबसे आसान है तो यही चीज़, अनर्थक शब्द। ठीक है, आँख मूंद किस में लगा सकते हैं आप? एक नंबर खुरपी। छायर कहनी है झबरू केकर ले कह है जोदि कृपा हतै तो जरूरे बिहारी कॉलेज नाम लिखा जितें। छायर कहानी में झबरू किसको कहता है कि अगर कृपा होगा तो, किसके लिए कहता है कि कृपा होगा तो जब बिहारी का नाम कॉलेज में लिखा जाएगा? गवाती मैया, भगवान के, बूढ़ा बाबा के या टुंगरी बाबा के? किसका नाम ले कहता है, किसका दुहाई देता है कि इसका कृपा होगा तो हो जाएगा? ये होता है गवाती मैया के। ठीक है, कि इनका आशीर्वाद होगा तो बिहारी का कॉलेज में नाम लिखा जाएगा। झबरुक बरत गणेश बाबू कहते हैं खाए अघाए के वैसल रहत की खाए के। झबरू का जो बैल था वो गणेश बाबू के खेत में क्या खाकर बैठा हुआ था? धान, गेहूं, बाजरा या जिंदरा? ये था गेहूं, गेहूं का खेत था ना, गेहूं खा के उसको प्रफुल्ल हो गया था और बैठा हुआ था। चलिए सवाल नंबर 33, जंगली दरोगा परीक्षा पास भेल बाधू नौकरी की लेना भेल। जंगली का दरोगा का परीक्षा पास होने के बाद भी नौकरी क्यों नहीं होता है? घूस और पैरवी नहीं कर पारे, मेडिकल में छटाई गले, ए और बी दोनों या कोई नहीं, क्यों नहीं कर पाता है वो नौकरी? ए नंबर, घूस और पैरवी उसका वो नहीं कर पाता है, घूस नहीं दे पाता है, किसी का पैर भी नहीं लगा सकता है, इसीलिए उसका नौकरी नहीं होता है ना। अब देखिए सवाल नंबर 34, जिंदगी डुबोनी कहनी है केकर कहल लगे जंगली कटसी नहीं जानता है। यह सवाल बहुत बार आ चुका है। जंगली का बड़ा भाई, जंगली का मझला भाई, अशोक के बड़ा भाई या अशोक, कौन कहता है? यह कहता है अशोक का बड़ा भाई। अशोक कौन है? उसका दोस्त है जंगली का, जिसका शादी में वो गया था। सवाल देखिए 35 नंबर का, सुकर महतो के नाती नतनी की ल चानो वाले के गौड़ नाए छुए हले। सुकर महतो का जो नाती नतनी थी वो चानो वाले का पैर क्यों नहीं छूता था? क्योंकि चानो वाली गोबर उठवा हले या चानो वाली छोड़ जाते हले, दोनों या कोई नहीं? बिल्कुल इसके अंदर दोनों होगा, क्योंकि वो प्रातिथि गोबर और छोटी जात की थी। सवाल देखिए 36 नंबर का, खूब कहनी है केकर कहा लगे शरम लगे हो कि नाय घर जोलक छोड़ के कॉलेज जाए लगल हैं, थोड़ा यहाँ गलती है, हार हार जोतक छोड़ के कॉलेज जाए लगल हैं, ये कौन कहता है? गुरदयाल राम, दामोदर, गुणेश्वर बाबू या दामोदर का भाई? ये कहता है गुणेश्वर बाबू, किसे कहता है? दामोदर को। कि तुमको शर्म लग रहा है कि हाल जोतने छोड़ के कॉलेज जा रहा है ना। चलिए आगे देखिए सवाल नंबर 37, कौन ऋतु पहुँचले गाछ वृक्ष कुलाए नवा नवा पत्ते पल्हा पिंगाए लगो है? किस ऋतु के आते ही पेड़ पौधों में नए नए पत्ते आने लगते हैं? गर्मी ऋतु, बरखा ऋतु, शीत ऋतु या बसंत ऋतु? कौन से ऋतु में आता है? ये आता है बसंत ऋतु में, अब आने वाला है, पतझड़ आएगा फिर बसंत आएगा। अब देखिए सवाल नंबर 38, भाई बहन के शुभ्र प्यार का प्रतीक परब करम पाठ कौन किताबें इंजराइल है? समझ के सवाल आप, ऑप्शन देखिए, सोनमाटी, छायहर, खोट्ठा लोक साहित्य या खोट्ठा निबंध? बिल्कुल ये खोट्ठा निबंध में है। सवाल नंबर 39, बोने क्लोर कहनी है आदमी जन बोने की ले आग लगाए दिल रहा। बोने क्लोर कहानी में आदमी लोग जंगल में आग क्यों लगा देता है? महुआ बिछे खातिर, कांटा कोसा साफ करे ले, बोनक पशु के मोराए ले, ए आर बी दोनों? मतलब महुआ बिछे ले और कांटा कोसा साफ करे ले। ठीक है, आंसर नंबर हो जाएगा डी। सवाल देखिए 40 नंबर का, बोनेक लोर कहनी है बोनेक की नाम से डाकल गेल है? बोनेक लोर कहानी में जंगल को किस नाम से बुलाया गया है, किस नाम से परिचित किया गया है? बोनेक पहरेदार, बोनेक राजा, पर्यावरण पहरेदार या बोनेक भगवान? इसे कहा गया है बोनेक राजा।
बोनेक्लोर कहनिए कहकर कहा लागे, बिना हमर गौर तर गिरल कोनो उपाय नहीं चलतो। किसका कहा है, कहा गया है कि बिना मेरे पैरों में गिरे कोई उपाय नहीं चलना है, आदमी जन का, बोन राजा का, बोनेक सिपाही का या मंत्री अफसर का, किसका कहा हुआ है? तो ये कहा हुआ है जंगल के राजा का, बोन राजा का। हम जीअब कैसे, कहनिए कौन समस्या पर उखड़बल गया है, पारिवारिक समस्या, गृहणी समस्या, उग्रवाद समस्या या आतंकवाद समस्या। तो ये है उग्रवाद समस्या। ऐसा सवाल आप बहुत बार बना चुके हैं, इसीलिए आपको आसान लग रहा होगा। कोटरिया शब्द का अर्थ की हते, कोटरिया शब्द का अर्थ क्या होगा? छगरी, फैटाइन, सुअर या कुकुर। कोटरिया क्या होता है? छगरी है ना, बकरी। अब देखिए सवाल नंबर 44, हम जीअब कैसे, कहनिए केकर कहा लागे, MCC और पुलिस का झगड़ा में हम गरीब सब पिसाए लागल हों। किसका कहा हुआ है कि MCC और पुलिस का झगड़ा में हम गरीब सब पिसने लगे हैं, हमारा नुकसान हो रहा है? रघुनाथ, महेश्वर, चुनिया या पार्वती। ये कहना है चुनिया का, जिसका पति डमरू इसी लड़ाई में मर जाता है। सवाल देखिए 45 नंबर का। अच्छा, चुनिया का क्या बच्चा था बताइए तो, कमेंट कीजिए। चुनिया का कितना बच्चा था और नाम जानते हैं क्या, उसका उम्र जानते हैं क्या, कमेंट कीजिए। हम जी अब कैसे, कहनी है महेश्वर का पैसा की हले, हम जी अब कैसे कहानी में महेश्वर का पैसा क्या था? किसान, डॉक्टर, मास्टर या मजूर, क्या था? तो ये टीचर थे, मास्टर जी थे। सवाल देखिए 46 नंबर का। हम जी अब कैसे, कहनी है पुरखा केकरा कहाल गया है, हम जी अब कैसे कहानी में पुरखा किसे कहा गया है, महेश्वर के, पार्वती के, चुनिया के या एयर भी, दोनों को किसे कहा गया है? दोनों को कहा गया है, महेश्वर और पार्वती को, कि पुरखा हमारा है, हमारे परिवार से हैं, है ना। चलिए सवाल नंबर 47, हम जी अब कैसे, कहनी है केकर कहा लगे, एहगो पितियान सास आज तोहिन के खोजले आयल हो। कौन कहता है ऐसा, मोहरी, पार्वती, फुलसरी या चुनिया? ये कहती है पार्वती, है ना। पितियान सास आज आप लोगों को खोजते हुए पहुँचे हैं। पितियान सास क्या होता है? ये चाची सास। सवाल नंबर 48, नामा छोड़ जिम्मेदार कहनी है कौन बेरा अखराक टोलाक बूढ़ा जवान जुटे रहत। नामा छोड़ जिम्मेदार कहानी में किस समय में अखड़ा में टोला का बूढ़ा जवान जुटता था, भिनसरिया में, कलवा बेरा में, सांझ में या बियारी बेरा में, या शाम के समय? ठीक है, शाम के समय जब होता था फुर्सत, सब आके जुटता था। आजकल शाम के समय सब क्या करता है, मोबाइल चलाता है। चाबी काठी नाटक क्या शिक्षित जनिए है, चाबी काठी नाटक में कौन शिक्षित औरत रहती है, दैमंती, कर्मी, चुटरी माँ या सुहागी? ये रहती है दैमंती। याद कर लीजिएगा, चाबी काठी में नाटक में कितने पुरुष पात्र हैं, कितनी महिला पात्र हैं। सवाल देखिए 50 नंबर का। कालू राम केकर से पहले सूद रुपया खस्सी मांगो है, कालू राम किससे पहले का सूद के रूप में खस्सी मांगता है कि खस्सी बाकी है, मोती से, खेपा से, श्रीपति से या मंगला से, किससे मांगता है? तो ये मांगता है श्रीपति से कि सूद बाकी है, सूद हो गया था लेकिन तुम्हारा जो खस्सी है वही बाकी है, वही तो मेरा लाभ है जो खस्सी है। चाबी काठी नाटक का नायक क्या चरित्र कौन झारखंड नेता से मेल खा है, चाबी काठी नाटक का जो नायक है शंभू, उसका चरित्र किस झारखंड के नेता से मेल खाता है, विनोद बिहारी महतो से, बिरसा मुंडा से, तिलका मांझी से या सिद्धू कानू से? किससे मैच करता है? ये मैच करता है विनोद बिहारी महतो से। चाबी काठी नाटक कौन विचारधारा के रचना लागे, यह किस विचारधारा का रचना है, जनवादी है, समाजवादी है, ग्रामोत्थान है या सभी कुछ है, क्या है? इसके आंसर डी नंबर होगा, सब है, ये जनवादी भी है, समाजवादी भी है, गांव के उत्थान के लिए भी है, गांव के उत्थान की नौकरी छोड़ के आ जाता है, ठीक है, तो सब कुछ हो जाएगा। सवाल नंबर देखिए 53। चाबी काठी नाटक के केकर कहा लगे, बेटा तोरा एते झूठे एते पढ़े ली रे, किसका कहा हुआ है कि बेटा तुमको बेकार इतना पढ़ाए, सुहागी का, कालू राम के माए का, मोतिक जैनी का या रोहन के माए का? ये सुहागी है जो कि शंभू की माँ रहती है, वो कहती है तुमको बेकारे इतना पढ़ाए। अब देखिए सवाल नंबर 54,
चाबी काठी नाटक के कौन दृश्य मोती और मोतिक जर्नी कर बातचीत पहल है? इस तरह का सवाल आपको फंस देगा। चाबी काठी नाटक के किस दृश्य में मोती और मोती की बीवी का बात होता है? दो जगह होता है बात इन लोगों का, नवा भाग में, नवा दृश्य में, आठवां दृश्य में, सातवां में या पाँचवा में, किस में बात होता है? तो ये बात होता है नाइन्थ वाला में, एक और में होता है। चलिए सवाल देखिए 55 नंबर का। सातो भौजी सुगा से के को परीक्षा लेलथिन? सातो भाभी जो है सुगा से कितनी परीक्षा लेती है? तीन गो, चार गो, पाँच गो या एक को नए, कितना परीक्षा लेती है? तो कुल मिला के सुगा का ये लोग चार परीक्षा लेती है। ठीक है, सातों गोतनी के सुगा भाई के मार से क्या बचा ले? सातों गोतनी को सुगा के भाई के मार से कौन बचाती है? सुगा, गोतनियन के बाप, बूढ़ा बाबा या कोई ना बचा ले? तो ये है सुगा, वही बचाती है ना भाभी लोग को, मारना नहीं। 57 देखिए। क्या चमटू गढ़े आग लगा दे ले? चमटू के गढ़ में कौन आग लगा देता है? गांव एक लॉक, राजा, बांदर या चमटुक संगी? तो यह है बंदर, जो बनाया वही बिगाड़ा। सवाल नंबर 58 देखिए। गोठे गनाए ने पछाए, माने की है वह है, इसका शुद्ध रूप होगा गोठे गनाए ने पाघे बंधाए। कोनो ठाव के नाय रहे, सबले बड़ मानवता उधरा पधरा ना रखे जाही कोई ने। इसका सही नंबर होगा कि कहीं का नहीं रहना, उस कावा सुने है ना, धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का, वो चीज़ है। सवाल देखिए 59 नंबर का। गुदपुच्ची रानी और कौवा लोक कथा कौवा कौन थीन, कौन कौन थीन गेले क्रम से बतवा? मतलब कौवा जो है कहाँ कहाँ जाता है, इसको सही क्रम से बताना है। पहला ऑप्शन क्या है? पानी, कुम्हार, गाय, घास, कुकुर, कमार। दूसरा है पानी, गाय, कुम्हार, कुकुर, घास, कमार। पानी, कुम्हार, घास, गाय, कुकुर, कमार। पानी, कुम्हार, कुकुर, घाय, गाय, घास, कमार, कहाँ जाता बताइए, क्या इसका आंसर होगा? इसका सही क्रम होगा डी वाला, पानी, कुम्हार, कुकुर, गाय, घास, तब कमार के पास, यानी कि पानी पास जाता है, बोलता है मट्टी ले, बर्तन लेके आओ, कुत्ते कुम्हार पास जाता है, कहता है बर्तन मिट कोड़ने वाला कुकुर का सिंग लेके आओ। कुत्ता पास जाता है, बोलता है दूध भात खिलाओ। दूध के लिए गाय के पास जाता है, बोलता भूखे हैं घास लाओ। घास पास जाता है, बोलता है काट लो हमको, औजार लाओ। औजार के पास कमर के पास जाता है। इस तरह से पूरा कहानी ये आगे बढ़ता है। अब देखिए सवाल नंबर 60। गुदपुच्चू रानी और कौवा लोक कथाएँ कौवा के कई रकम के जिनिस खाए हल? कौवा किस तरह की कितना तरह का चीज खाता था? 10 तरह का, 12 तरह का, 8 तरह का या 9 तरह का? तो सिंपल सवाल है, 12 तरह का। ये कोई फिक्स नहीं है, ऐसे ही बता दिया गया है। इसका एक से ज़्यादा होता है ना, उत्तरा तरह का चीज़ बोल देता है, तो 12 तरह का। सवाल देखिए 61 का। गुदुपुचु रानी कौवा के की धोए के बात कहले? गुदुपुचु रानी जो है कौवा से क्या धोने का बात करती है? गौड़, पाँख, ठौर या गोटे गाद? तो अपने वो ठौर धोने बोलती है, यानी कि चोंच धोने बोलती है। सवाल देखिए 62 नंबर का। बूढ़ी या रोको नाती लोक कथाएँ बूढ़ी की नाती की आपन पहाय दिल रहे? आपन धोती, आपन चूल, केतकी फूल या परास फूल? क्या बहा देती है ये बूढ़ी? ये अपना बाल बहा देती। अच्छा, जो धोता है मुँह ना, बूढ़ी का नाती क्या बह जाता है? उसका नाती का क्या बह? उसका बाल बह जाता है। जो राजकुमारी देखती है और कहती है कि जिसका बाल इतना सुंदर है वो खुद कितना सुंदर होगा, है ना। चलिए आगे देखिए सवाल नंबर 63। बूढ़ी या रोकर नाती लोक कथाएँ सूरज डूबे के बेरा बौर गाछक तरह क्या वो है? बूढ़ी या रोकर नाती लोक कथा में सूरज डूबने के समय यानी शाम के समय बरगद के पेड़ के नीचे कौन आता है? बाघ, भैंस, ए आर बी दोनों या राजा? तो यहाँ पे भैंस आता है ना। दूसरे राजा से टेपा विदाई समय की मांग ले? दूसरे राजा से विदाई के समय टेपा क्या मांगता है? सोनाक मुंगरा, एगो बड़ो हाथनी, एगो बड़ो घोड़ी या ई सभे क्या मांगता है? तो दूसरा वाला से वो बड़ो हाथनी मांगता है। पहला से क्या मांगता है? सोनाक मुंगरा। अच्छा, पहला को बताइए, पहला कौन है? पहला वो है जो राक्षसिन को काट के मार के उसका कान काट के लेके जाता है ना,
वो पहला है, दूसरा इसका बेटा बीमार रहता है बचाता है वो दूसरा है, और तीसरा आपका जो एक्शन की बेटी है खुद है, और एक तो यहाँ पर है नीलकमल की बेटी, उसका वेट कर रही होती है ये चीज़। चलिए सवाल नंबर देखिए 65। छागर गोरखिया और केतकी फूल लोक कथाएं कते जन हथने के ऊपर बैस टपा गांव घोर जाहत, 2, 3, 4 या 5। 65 का आंसर क्या होगा? 4, 3 पत्नियां और एक खुद टेपा है ना, 2 राजा की बेटी और एक राक्षसिन की बेटी, और तीसरा ये टेपा खुद, 4 लोग वापस घूम के आता है हाथी में बैठ के। सवाल देखिए 66 का, चापुक बाप कैसन रहे, चापुक बाप कैसा रहता है, अमीर गरीब घर बैठवा कोई नहीं, तो ये गरीब रहता है ना, अमीर नहीं रहता है गरीब रहता है। खूंटा भीतर चिया गोटा लोक कथा के कौवा सवासी लेल दिले और बाढ़े डाक कौवा काम करवल, राजा डांग सांप सॉरी राजा सांप डांग या आएगा, कौन कराता है काम उससे? आंसर होगा राजा, है ना, कौवा को सवासी दिया और बढ़े बुला के उसका काम करवा दिया राजा। खूंटा भीतर चिया गोटा लोक कथा कौवा पहल बेर केकर पास मदद मांगने के लिए, सबसे पहले किसके पास मदद के लिए जाता है, हेल्प के लिए जाता है? अब खूंटा है तो खूंटा कौन काटेगा, बढ़ई काटेगा, तो पहले वो बढ़ई के पास ही जाएगा। दूसरा वाला में कुम्हार है, चोंच धोना है तो उसको कहाँ जाना, पानी पास जाएगा, तो पहला पानी होगा, कॉमन सेंस है। अब देखिए सवाल नंबर 69, खूंटा भीतर चिया गोटा लोक कथाएँ बढ़े कौवा के बात ना मान ले तो कौवा केकर पास के लिए, जब बढ़ई बात नहीं माना तो कौवा कहाँ गया, कुम्हार के पास, सांप के पास, राजा के पास या कुकुर के पास? वो गया राजा के पास कि देखिए बड़े मेरा बात नहीं मान रहा है, लकड़ी नहीं चीर रहा है। आप देखिए सवाल नंबर 70, सफर का साथी लोकमान्य केकर रचना लगाई, श्रीनिवास पानोरी का, ए के झा का, भुवनेश्वर दत्त शर्मा का या शिवनाथ प्रमाणिक का, किसका रचना है सफर का साथी? ये रचना है व्याकुल जी का, भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल जी का, ठीक है। अब देखिए सवाल नंबर 71, करिल पत्रिका का संपादन के आर कौन बचने करल थे, परसनाथ महतो, दिनेश दिनमणि, ए के झा या ए और बी दोनों? करिल पत्रिका का ये है ए और बी दोनों, यानी कि परसनाथ महतो और दिनेश दिनमणि 2009 में। अच्छा बताइए ये जो नाम है परसनाथ महतो, इनका एक कविता पढ़ना है हम लोगों को, उस कविता का नाम बताइए और किस किताब में छपा है वो बताइए, इम्पोर्टेंट है वो, ढेसा ढेसी छोड़ एक पथिया डोंगल महुआ, उसका 10वां कविता है। सवाल देखिए 72 नंबर का, खट्ठक पहल निबंध की है, खट्ठक का पहला निबंध क्या है, खट्ठा निबंध, डाह खट्ठा लोक साहित्य या मंसार निबंध, ये कैसा क्वेश्चन है? इसका आंसर होगा खट्ठा निबंध, ये थोड़ा सा क्वेश्चन हो गया। कुसमी अजनास केकर रचना लगाई, ए के झा, विनोद कुमार, श्रीनिवास पानोरी या शिवनाथ प्रमाणिक, किसका रचना है ये? ये रचना है श्रीनिवास पानोरी जी का। पंचांग गीत के लिखवैया क्या है, ये सब चीज़ें आपको याद करना पड़ेगा, इस पर कोई ट्रिक काम नहीं आता है। पंचांग गीत के लिखवैया क्या है, ए के झा, विनोद कुमार, श्रीनिवास पानोरी या शिवनाथ प्रमाणिक, कौन है? तो ये होगा, ये भी होगा श्रीनिवास पानोरी। अंबुज कुमार अंबुज कहाँ का रहवैया है, बाराड़ी बोकारो, गंगजोरी, चेटर या लारी, कहाँ के रहने वाले हैं? तो ये रहने वाले हैं बाराड़ी बोकारो के, अंबुज कुमार अंबुज। ये कौन सा गीत लिखे हैं, सोहन लागरे ने छपा है। अनिता कुमारी कहाँ का रहवैया है, बिशुनगढ़, भेंडरा और मांझी या चेटर, कहाँ के रहने वाली है अनिता कुमारी? ये रहने वाली है विष्णुगढ़ हजारीबाग की। सवाल देखिए 77 नंबर का, जय माँ जननी गीते भारत मायक मुकुट रूपे की बतवल गया है, हिमालय के, समुंदर के, कश्मीर के या विंध्याचल पर्वत के? तो हिमालय के बोला गया है,
की माँ का मुकुट है हिमालय, है ना। चलिए, और कमरधनी बोला गया है इस पर्वत को। सवाल देखिए 78 नंबर का, जय माँ जननी गीते भारत माय गॉड धोव है, कौन पैर धोता है, समुद्र, गंगा, कावेरी या ये सभी। समुद्र होता है, हिंद महासागर है नीचे। सवाल नंबर देखिए 79, जय माँ जननी गीते कच्छ कामरूप भारतक मायक समान है, क्या है, नाकक, हाथक कंगन, कमरक शोभायान या ई सभे। कच्छ कामरूप क्या है? ये है हाथ का कंगन, है ना। अब देखिए सवाल नंबर 80, फटाफट करते हैं, लेट नहीं करते हैं, ताकि आपका और सब तैयारी में समय लगे, समय मिले। ढेसा ढेसी छोड़ कविताएं केकरा आर कड़वा मूसा कहल गया है। ढेसा ढेसी छोड़ कविता में किसको आर कड़वा मूसा कहा गया है? दूसरे काम भाड़े वाला लोग के, दूसरे काम में टांग अड़ाए वाला लोग के, काम पूरा ना होवे दे वाले लोग के या ई सोभे के। ये आंसर हो जाएगा सभे। ये सभी है जो दूसरे के काम को होने से रोकता है कि कोई ना कोई उसमें अड़चन पैदा कर देता है। रीतियों के संचालन के ग्रह है, रीति का संचालन कौन करता है, मानुष, समाज, लोकगीत या शिष्ट गीत। रीतियों का संचालन कौन करता है? इसका आंसर होगा लोकगीत। सवाल देखिए 82 नंबर का, उग्र और तीक्ष्ण स्वभाव वाला नक्षत्रों के मूल नक्षत्र के की कहल जा है। उग्र और तीक्ष्ण स्वभाव नक्षत्रों को क्या कहा जाता है? सधोर, छौर कर्म, झिकटी या सत्सा, क्या कहा जाता है? इसका आंसर होगा झिकटी। देखिए सवाल नंबर 83, सहयारी जोड़े खातिर की समान होवेक चाहिए, क्या क्या समान होना चाहिए, पैसा, संतानों की संख्या, विचार या ये सभी। सहयारी जोड़ने के लिए क्या क्या समान होना चाहिए? डी नंबर, इस सब। सवाल देखिए 84 नंबर का, सोहराय पर्व में कहकर पूजा हो है, सोहराय पर्व में किसका पूजा होता है, गरु का, पालतू पशु का, डांगर का या ई सभी का। आंसर नंबर डी, ई सभी का, सभी का पूजा होता है। सोहान लागे रे किताबक दूसरा प्रकाशन कौन बच्चर भेल रहे, 2020, 2019, 2016 या 2012, किस साल इसका दूसरा प्रकाशन हुआ है, 2019 में, कोरोना आने के एक साल पहले, बल्कि कोरोना 19 में ही आया था ना, चीन में COVID-19 नाम ही दिया गया उसको। खट्टा भाषाएं पहली के की कहल जा है, जान कहनी, सुन कहनी, ARB दोनों या फिंगाठी। पहली को क्या कहा जाता है? पहली को जान कहनी कहा जाता है। सवाल देखिए 87 नंबर का, नवो जन्म सुनी बड़ी खुश मरद जनी, कते कते फुद बरसे, ये कौन गीत है, शरम गीत, बाल गीत, बिहा गीत या छठियारी गीत। कौन सा गीत है ये? ये छठियारी गीत है। सवाल देखिए 88 नंबर का, कैथी के आसन, कैथी के सिंहासन, कैथी के परलय बिछावन, नोने कहते उपटन है, ई बिहा गीत कौन पक्ष का वह है, किस पक्ष में गीत गाया जाता है, वर पक्ष में, वधु पक्ष में, दोनों में या किसी में नहीं। देखिए यहाँ नूनी आया है ना, यानी कि ये लड़की तरफ का होगा, यानी ये वधु पक्ष का होगा, ठीक है, आंसर नंबर बी होगा। 89 नंबर देखिए, जोड़ा सुपरिया भैया भेज लो तैयो न भैया अवलय, अपने चुनरिया घीया ढार लो भैया का नाम उठा लो हो, ई बिहा गीत कौन नेक के है, तुवर छेका, पानी मक्का टेक, घीवा ढारेक या परछन। तो ये नाम से स्पष्ट है घी ढरी का, या कि ढारी जो होता है नेक होता है उसका है। सवाल देखिए 90 नंबर का, एक पथिया डोंगल महुआ किताब है गोटे कते कविता है, एक पथिया डोंगल महुआ में कुल कितनी कविताएं हैं, 19, 31, 40 या 47। तो इसमें कुल 47 कविताएं हैं एक पथिया डोंगल महुआ में। एक पथिया डोंगल महुआ किताब में कई को कवि कविता संकलित है, 47 कविता तो है, इसमें कितने कवि का कविता लिखा गया है, 47, 34, 27 या 15। इसमें कुल 27 कवियों के कविताओं को संकलित किया गया है।
47 कविताएं हैं, 27 कवि हैं। सवाल देखिए 92 नंबर का। शिवनाथ प्रमाणिक चिकलतारे खोट्टा साहित्य कते वर्ग है? 2, 3, 4 या 5, कितने वर्ग हैं? कुल 5 वर्ग हैं प्रमाणिक जी के हिसाब से। ताय 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 नुनु मामू घर जाए, मामक पीढ़ी छिछी कर रहे मामी पोछे जाए, कौन गीत लगे? सिंपल है यार, ब्याह गीत, छुआ गीत, सहयारी गीत या श्रम गीत। ये छुआ गीत है, बच्चा गीत है, बाल गीत है। 94 देखिए। बड़का हो भैया मती लेगे अहिया, कहाँ पाए पाकल खाली जगह? यहाँ खाली ठा में की हतै, क्या भरेगा? पान, पपीता, खसिया या मिठाई? पका हुआ क्या होगा? पान है ना, बड़का भाई को पका हुआ पान खिलाता है। अब देखिए सवाल नंबर 95। रोद पानी सियार की बिहा, एक चुटकी अन्न नाय कैसे देवे बिहा? ये कौन गीत है? श्रम गीत, छुआ गीत, कर्म गीत या ऋतु गीत? तो ये भी आपका छुआ गीत है, बाल गीत है। हम लोग इसको बहुत गाते थे, खास करके बारिश होती थी और हल्का धूप निकलता था और हल्की हल्की बारिश होती थी, तब ये गाते थे। ये रोद पानी सियार की बिहा हुआ है। अब देखिए सवाल नंबर 96। सेवंतिक पावड़ी मेला गीतक रचनाकार के है? सेवंतिक पावड़ी मेला गीत के रचनाकार कौन है? अनिता कुमारी, सुभद्रा कुमारी, शांति भारती या ए के झा? तो ये है सुभद्रा कुमारी। सेवंतिक पावड़ी मेला कौन है? सुभद्रा कुमारी। और ये क्या लिखी है? अनिता कुमारी, बोन रक्षा जीवन रक्षा। सवाल देखिए 97 नंबर का। समुद्रक ढेब कर गागनिक आवाज़ घोर, हाड़ कपवा जाड़ कहीं गर्मी कर ताव जोर, ये पाता कौन कविता से है? किस कविता से लिया गया है? जय जवान जय किसान, आज अकाय खोट्ठा, रुसल भोला या मोहक भनीता? तो यह है जय जवान जय किसान से। ठीक है, कौन लिखे हैं? महेश गोलवार। आगे देखिए सवाल नंबर 98। बड़ी कठिन धनी बोना के डहरा, हंसते खेलते संगी पीते थे डहरा, गाला मारब हम सैया हमिन घिया भोर, हियाँ ई पता है कौन गीतक लगे? सोहन लागे रे, मांदेर बाजे रे, बांसी बाजे रे, बोने पाकले सैया कोर या बोन रक्षा जीवन रक्षा? तो आप जानते हैं इसका आंसर होगा बोने पाकले सैया कोर, इसका है। इसके लेखक कौन है? दिनेश दिनमणि। अब देखिए सवाल नंबर 99। यदि कवि माने सुधे भाट, तबे हमें कवि नए, यदि कविक मान नटवा नाच, तबे हमें कवि नए, ये पता कौन कविता का है? नाम से स्पष्ट है, तबे हमें कवि नए, है ना। लेखक कौन है इसके? ए के झा, अजित कुमार झा। देश कर आंगने शोभे परदेशक टोना टोना, रोजी रोटी पेट खातिर मारे लिया कोना कोना, एक माय कर कोरे तुम बुझिया रे, ये पता कौन गीतक लगे? अगर आपने एक बार पढ़ा होगा ना तो आपने लय पकड़ लिया होगा कि ये है मिली के रही यारे। ठीक है, जिसके लेखक कौन है? प्रदीप कुमार दीपक। ठीक है, ये था कुछ हमारा 100 सवाल। उम्मीद करता हूँ कुछ अच्छा लगा होगा आपको। अच्छा लगा तो लाइक शेयर कर सकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।